आज हम जा रहे हैं बिहार शरीफ के पहाड़ी पे घूमने के लिए। हम वहाँ का सीन दिखाते हैं। यह हॉस्पिटल मोड है, हॉस्पिटल मोड पर दिखा रहे हैं, ये देखिए। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बिहार शरीफ के बड़ी पहाड़ी पे आए हुए हैं और इसको हिरण पर्वत भी कहते हैं, लेकिन यहाँ के निवासी लोग ये पहाड़ी बड़ी पहाड़ी से फेमस कर दिया है। तो हम चलते हैं और वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कैसा है, और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, दोस्तों हम मस्जिद के गेट पे आ गए हैं और हम आपको मस्जिद के गेट के अंदर चलते हैं, चलिए आपको हम दिखाते हैं, चलिए चल रहे हैं। ये अंदर हम हो गए हैं, तो दोस्तों आप चलिए, ये दूसरा गेट है, दूसरा गेट के अंदर हो रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, खिड़की है और इसमें बैठने की जगह है, यहाँ पे आप बैठ के आराम से रेस्ट भी कर सकते हैं। इधर भी गेट है और इधर भी गेट है। तो चलिए, और हम मस्जिद के करीब आ गए हैं और हम आपको दिखाते हैं। मस्जिद मलिक इब्राहिम भैया का मकबरा है और यह देख रहे हैं, ये देख लीजिए। और यहाँ पे ये बोर्ड में आप पूरी जानकारी यदि लेना चाहते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वीडियो को पोस्ट रोक कर आप पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। अंदर का सीन दिखा रहे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये मस्जिद है, आपको हम आज मस्जिद दिखा रहे हैं, ये देखिए। ये दोस्तों देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए, ये देखिए। इधर का नजारा कितना अच्छा लग रहा है, इधर खेत है, हरा हरा खेत है इधर। और ये वो जो बाईपास है वहाँ पे, वो पटना जाने के लिए वो बाईपास है, फोर लाइन है, वो दिखाई दे रहा होगा। और इधर देखने में बहुत डर लग रहा है, ये देखिए हम दिखाते हैं आपको, इधर बहुत डर लग रहा है, आप इसको दिखाते हैं, देखिए कितना नीचे है, इसको देखने में बहुत डर लग रहा है, सच में बता रहे हैं, बहुत डर लग रहा है। लेकिन यहाँ का सीन बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, बहुत मजा आ रहा है, अट्रैक्टिव सीन है। लेकिन नीचे देखने के बाद बहुत डर लग रहा है, बहुत हाइट पे, देखिए नीचे जो बाइक जा रहा है वो कितना छोटा छोटा दिख रहा है, देखिए हम जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए दिख रहा होगा कितना छोटा छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि ये हम सबसे ऊपर हाइट पे आए हुए हैं, देखिए दोस्तों। तो चलिए हम और सीन दिखाते हैं। तो दोस्तों हम थक गए हैं, इधर इतना बहुत घूमते घूमते थक गए हैं, उसके बाद इधर भी घूमे। और ये देखिए इधर मंदिर दिखाई दे रहा होगा, मंदिर, आज हम वहाँ मंदिर के पास चलते हैं और उसके बाद फिर इधर पार्क है, इस पार्क में भी जाएंगे और घूमेंगे। तो चलिए दोस्तों हम पहले मंदिर के पास चलते हैं और वहाँ का सीन दिखाते हैं। तो ये देखिए हम मंदिर के पास आ गए हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, ये देखिए इसके अंदर शिव जी और बजरंगबली का प्रतिमा है, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन अफसोस कि इसके अंदर फोटो खींचने कितना मना है, इसीलिए हम तो यहाँ
यहाँ पे एक जिम भी है पहाड़ी पर, उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं और जिम का सीन दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जिम है और ये जिम बंद है, ये शाम को खुला रहता है। ऊपर आ गए हैं और ये देखिए ये गेट है और गेट के अंदर ये हिरण पर्वत नगर निगम, ये बिहार सरकार द्वारा बनाया गया है। और चलिए हम अंदर की ओर लेके चलते हैं और वहाँ का। तो चलिए अब अंदर गेट के अंदर घुस रहे हैं और टिकट लेते हैं और देखिए टिकट का क्या प्राइस है, ये दिखाते हैं। तो दोस्तों हम ये अंदर घुस गए हैं और देखिए हम टिकट ले लिए हैं, ये 10 रुपया टिकट का रेट है ये देखिए। और हम अंदर की ओर जा रहे हैं और वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो चलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए टिकट ले लिए हैं। अंदर आ गए हैं और यहाँ का सीन दिखा रहे हैं आपको, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे आके जरूर फैमिली के साथ आइए, बहुत अच्छा लगेगा, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आगे हम और दिखाते हैं। तो दोस्तों यह देखिए यहाँ पे एक बैठने का जगह है, यहाँ पे आप बैठ के कुछ खा भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप बैठ के खा भी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा, बैठने वाला जगह है। तो चलिए हम आगे और लेके दोस्तों अब ऊपर चढ़ते हुए और देखिए ये रास्ते में ये चिल्ड्रन पार्क है, ये देखिए चिल्ड्रन पार्क है, ये बच्चा को खेलने के लिए है। यहाँ पे झूला उला भी लगा हुआ है। तो चलिए हम अंदर की ओर चलते हैं और वहाँ का सीन दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे यहाँ बैठने वाला जगह है, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं। और यहाँ देखिए झूला लगा हुआ है, यहाँ अभी तो सुबह का टाइम है तो अभी भीड़ नहीं है, लेकिन शाम के टाइम में भीड़ बहुत रहता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप ऐसे इस पे बैठ के झूल सकते हैं। और इधर देखिए फूल लगा हुआ है और इधर भी यहाँ बच्चा लोग का दोस्तों। तो ये देखिए झूला है और हम ये देखिए झूला पे बैठ के देखिए बैठते हैं, ये देखिए कितना मजा आ रहा है, ये देखिए बहुत मजा आ रहा है। आप भी आइए और यहाँ झूला का मजा लीजिए, देखिए आइए यहाँ पे और चलिए और हम दिखाते हैं। और इधर और भी है, इधर एक्टिविटी और भी है, देखिए दिखाते हैं, इधर और भी है। इधर देखिए ये बड़ा लोग के लिए है, यहाँ झूला में ये बड़ा लोग के लिए है, ये देखिए हम यहाँ पे देखिए ये यहाँ झूला है, देखिए इस तरह से इसको ऐसे झूल सकते हैं। और चलिए इधर इधर ये देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखिए इसको ऐसे है करने के लिए, ये देखिए ऐसे ऐसे करने के लिए है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। और देखिए बहुत सारा एक्टिविटी है, इधर भी है, इधर भी है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों आप लोग जरूर एक बार आइए और घूमिए यहाँ पे पहाड़ी पर, बहुत मजा आ रहा है, देखिए ये कैसा है, एक्सरसाइज वाला है। चलिए दोस्तों एक देखिए एक ऐसा है, ये इसका एक्टिविटी करके दिखाते हैं, ये देखिए ये ऐसे करके ऐसे करने वाला है, ऐसे ऐसे देखिए बहुत मजा आ रहा है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये इसका
पार्क में ये कैसा है एक्टिविटी? और भी है, बहुत सारा है, अब दिखाते हैं। इधर भी है, आप आइए। इधर भी है एक झूला, इधर भी दिखाते हैं। शाम के टाइम में बहुत भीड़ रहता है इसमें, और देखिए ये देखिए ऐसे ऐसे है एक्टिविटी करने के लिए, एक्सरसाइज है, बहुत मजा आ रहा। और भी है, इधर दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये फोर व्हीलर चला रहे हैं। ये देखिए कैसे एक्टिविटी है, फोर व्हीलर चला रहे हैं। ये देखिए और भी है, इधर है। एक इधर भी है, देखिए। ये देखिए ऐसा है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाइटिंग है, और यहाँ फुहारा लगा हुआ रहता है शाम में, लेकिन अभी बंद है। शाम में इसका दृश्य दिखने को। दोस्तों ये देखिए, फूल पटा रहे हैं और इनसे बात करते हैं। बताइए अंकल, आप अपने बारे में कुछ बताइए, कब से यहाँ फूल पटा रहे हैं? छियासी से हम कार्यालय में थे, वन पूर्ण पदाधिकारी के कार्यालय में थे ऑफिस में जी। 26 साल हम नई ड्यूटी किए जी, वन सफाई के भी काम करते थे जी। तो मैं करते आ रहा हूँ जी। 75 रुपए मात्र पहले मिलता था, उस समय से हम कर रहे हैं। जी गरीब व्यक्ति हूँ जी, महादलित है। अभी हमको मिल रहा है 96-97। अभी कितना मिल रहा है सैलरी? 96-97 रुपया। तो देखिए अभी 96-97 बहुत कम है, अभी का जो समय महंगाई जैसे है उस हिसाब से बहुत सैलरी कम मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए ये कितना अच्छा नजारा सीन है पार्क के अंदर, और देखिए उधर दो भैया घूम रहे हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कैसा लग रहा है पार्क। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं भैया से। तो भैया आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम शिवम कुमार है जी। और यहाँ पे मैं घूमने आया हूँ जी, बहुत घूम के बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठंड कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक बिहारी। चलिए, पार्क बहुत ठंडा है, पहाड़ी इलाका में है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, फैमिली पार्क है। यस, यहाँ पे आके आप फैमिली के साथ भी घूम सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा जगह। अच्छा, यहाँ झूला का एंजॉय लिए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब शाम को टाइम में बहुत मजा, मतलब शाम के टाइम में बहुत भीड़ रहता है। हाँ, बहुत, मतलब अभी हम आए हैं इसी टाइम, इसी के कारण, मतलब थोड़ा सा दोपहर हो गया, इसके कारण थोड़ा कम आदमी है। हाँ, दोपहर से थोड़ा कम आते हैं, लेकिन एक दो घंटा के बाद फिर आने लगेंगे। अच्छा, शाम के टाइम बहुत भीड़ रहता है। हाँ। अच्छा ठीक है, चलिए दोस्तों। तो और हम नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ देखिए ये फूल है, यहाँ फूल है, और यहाँ पे एक्टिविटी आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा झूला है, यहाँ पे बच्चा के लिए भी, बड़ा भी झूल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम और आगे दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पार्क में जब थक जाएंगे तो यहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं। यहाँ देखिए विश्राम करने वाला है, यहाँ पे आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ आराम से बैठ सकते हैं, यहाँ परिवार के साथ भी बैठ सकते हैं एकदम। यहाँ पे बहुत बरसात के दिन के लिए भी है, सेफ्टी है, बरसात में भी है, यहाँ पे छुप भी सकते हैं, और गर्मी के लिए भी यहाँ पे छुप सकते हैं। और यहाँ जो पीछे दिख रहा है, ये पीछे ये वाटरफॉल है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये लग रहा है कि लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन ये सीमेंट का बना हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया से बना हुआ, लग रहा है कि लकड़ी का है, लेकिन ये सीमेंट का बना हुआ। यहाँ देखिए टूट गया है, यहाँ देख सकते हैं, लेकिन लग रहा है कि लकड़ी का। और इधर भी देखिए कितना मस्त है, ये देखिए ये भी लग रहा है कि लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन ये लकड़ी का बना हुआ नहीं है, ये सीमेंट का बना हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए। ये देखिए ऊपर, यहाँ पे क्या है, ये लगता है शेर का मांड जैसा दिख रहा है। तो चलिए हम अंदर लेके चलते हैं, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि जैसे शेर का मांड है, ऐसा ही फील हो रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, ये देखिए लगता है कि शेर का मांड ही है। हम देखिए अंदर जा रहे हैं, अंधेरा भी है, डर भी लग रहा है।
ये देखिए दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये अजीब सा लग रहा है। ये देखिए एकदम शेर का मान जैसा है, डर भी लग रहा है। और ये देखिए इधर से निकलने वाला है, बहुत अट्रैक्टिव है। ये देखिए शेर का मान भी है जैसे लग रहा है, लेकिन लग रहा है कि जैसे शेर ही बैठा हुआ है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे यहाँ से ऐसे अंदर निकलने वाला है, यहाँ से निकल ही सकते हैं, लेकिन हम नहीं निकल पाएंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है। बच्चा लोग निकल सकता है इसमें, लेकिन हम नहीं निकल पाएंगे उतना। तो चलिए दोस्तों, और ये देखिए यहाँ पे भी है, इसके अंदर भी है, अंधेरा दिख रहा होगा, इसमें लाइट नहीं है, अंधेरा दिख रहा होगा। ये देखिए ये भूल भुलैया टाइप का लग रहा है, इसमें तो लग रहा है भूल भुलैया। देखिए इधर भी मांद है निकला हुआ है, ये देखिए ये भूल भुलैया टाइप का लग रहा है। ये देखिए इधर से भी निकल सकते हैं। ये देखिए तो हम पूरा कवर किए ये मांद में। चलिए अब दूसरा दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम घूम लिए हैं सभी जगह पहाड़ी पर। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसा ही हम अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।